ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आइसक्रीम बर्न है, आइसक्रीम को जला रहे हैं, कुछ इस तरह की स्टॉल है। तो ये आइटम है यहाँ पर, ये देखो क्या कर रहे हैं, आग लगा दी आइसक्रीम को इन्होंने। How much? Yeah, 79 का है ये पार्ट का, ऐसा अंदर से। चलो चलते हैं और देखते हैं क्या नया है। ये मार्शमेलो को जलाया हुआ है, पता नहीं क्या बनाया हुआ है, टेस्ट करा अजीब सा टेस्ट है इसका। ये है टेंपल शाइनी करके, चाइना का टेंपल है। तो भीड़ लग रही है कि कब खुलेगा, वेट कर रहे हैं सारे, यहाँ पर सारे लोग टिकट ले रहे हैं। 80 रुपए की टिकट है कुछ यहाँ टेंपल देखने की। पता नहीं क्या मिल रहा है, तो लोग कुछ खा रहे हैं, पता नहीं क्या है ये। लास्ट रोड जो जहाँ हम आए हैं, इस तरह की फूड स्टॉल है। ये मेन रोड है, बहुत फेमस एरिया है यहाँ का, जो खाने के लिए फेमस है। अलग अलग तरह की डिश मिलती है यहाँ पे, ये देखो। पर यहाँ सारा ज़्यादातर नॉनवेज मिलता है, नॉनवेज में केकड़े क्या सब कुछ मिलता है, पर मुझे तो पता ही नहीं लग रहा क्या चीज़ है। लोग यहाँ पे घूम घूम के खा रहे हैं, बहुत प्यारी सा लुक है यहाँ पर शॉप्स का। मुझे पता नहीं है क्या क्या मिल रहा है, बट घूम रहा हूँ मैं तो। और अलग अलग तरह की स्मेल है यहाँ पर, जैसे कुछ खाने का मतलब जल रहा हो, जैसे कुछ खाने को भूल रहे हो। मोमोज भी है यहाँ पे। यहाँ पे आना अगर आप किसी के साथ हो तो ही आइए, क्योंकि कुछ भी इंग्लिश में नहीं है तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ आ गए। अरे कहना क्या चाहते हो? पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। कॉलत वॉलत कॉलत 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 कावलत, ये रेट है इसकी कावलत। पता नहीं क्या है कावलत, क्या है मुझे नहीं पता। कावलत खोल के दिखा रही है क्या है। यही नहीं, अभी और सुनिए। वेज नॉन वेज पता नहीं क्या है दे रहे हैं मुझे खाने के लिए। आके देखा है मैंने, कुछ भुना हुआ गरम गरम है। ये शकरकंदी का टेस्ट है, शकरकंदी होती है ना, तो उसका रेड पोटैटो जिसे बोलते हैं उसका जैसा टेस्ट है इसमें। तो पता नहीं क्या है बना। यहाँ पे सबके मास्क उतर गए हैं, जो सब मास्क लगा के घूम रहे थे ना आधे लोग मेट्रो में और सब जगह, सबके मास्क उतर गए यहाँ पे। मजा आया सही। यहाँ पर ये बहुत बढ़िया फ्रूट है, क्या रेट है मैं पूछता हूँ। ये अलग अलग तरह के फ्रूट से बड़ा महंगा फ्रूट है, बट यहाँ का मैंने फ्रूट खाया है बिल्कुल प्योर, जैसे होता है ना उस टाइप का फ्रूट है, मतलब कोई मिलावट नहीं करी गई, जैसे बिल्कुल ऑर्गेनिक टाइप का पकाया गया है। स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी का लुक देखिए, कितना प्यारा सजाया हुआ है इन्होंने, ये देखो बहुत बढ़िया रोड सजाई हुई है। बहुत चीजें हैं यहाँ देखने के लिए। इतनी चीजें मैं कवर भी नहीं कर पाऊंगा।
ओके फुल एक बोतल लेने के लिए 1000 बात मांग रहा है। पता नहीं क्या मिल रहा है यहाँ पे। कोको मैंगोन यहाँ पे ये केकड़े मिल रहे हैं, तो लाइन लग रही है केकड़े के लिए। अरे कहाँ रह गए वो? यहाँ मुझे खोने का डर है, कुछ नहीं पता कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं, अगर खो गया तो एक बार। सो ये मेरे साथ है, एक ये है, दो वो है। ठीक है, लेफ्ट सेकंड लेन। ओके पिच्छू है, कॉकरेज, झिंगुर विंगुर जो भी है, पता नहीं क्या है, सारी चीज़ें। ये आइसक्रीम है, कॉफी, कोको। ये पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ, मैं वीडियो बना बना के ये भी नहीं देख पा रहा क्या क्या चीज़ें हैं घूमने की। पर ठीक है, वीडियो के लाइक अच्छे आ रहे हैं तो बढ़िया है। ये लेने लग गया, पता नहीं क्या है ये, कॉफी है, कॉफी। इसके बाद यहाँ पे कुछ दे रहे हैं ये, और पैक करके दे रहे हैं चलने के बाद। गुजिया जैसे इंडियन में गुजिया होती है वैसे, उसका ये तला हुआ निकाल रहे हैं और उसको काट के दे रहे हैं। देखो काट रहे हैं वो गरीब वाला, पता नहीं क्या लिया है, और इनके खाते ही अजीब से मुंह बन रहे हैं। पता नहीं क्या कंट्रोल कंट्रोल बोल रहे, दबंग दबंग मास्क हटाया, पता नहीं क्या टेस्ट है। देखते हैं कैसा टेस्ट है, अभी मैं भी टेस्ट करता हूँ। खा ही नहीं जरा, अरे हम बोल नहीं पा रहे, उस चिपक गया है और पूरे मुंह में। कैसा लगा मेरा मजाक? अलॉय, अलॉय नाम है इसका, जो पूरे मुंह में ऐसे चिपक गया, मुंह ही नहीं खुलता इसके बाद खाने के बाद। 80 बात का था ये, खाने के बाद मैंने भी खाया जैसे मैंने दिखाया, इसके बाद मुंह ऐसा चिपक जाता है कि खोल ही नहीं सकते। हेलो मैं पूरा मुंह चिपक जाता है अंदर से, खुलता ही नहीं है, इस टाइप का है। और यहाँ पे कुछ शायद आइसक्रीम बन रही है जो इंडिया में बनती है, ये वीडियो है। वो ले रहे हैं हम, ये आइसक्रीम लिया इसने। उसको भी अच्छी लगी, वो भी लेने गई। अच्छा चम्मच लेने गई, मैं भी टेस्ट करता हूँ। बनाना का फ्लेवर है, अच्छी है।
सही टेस्ट है, मतलब बनाना कोई पीस कर बस ठंडा करके उस टाइप का पूरा टेस्ट आ रहा है, मतलब ये लग रहा है प्योर है, मतलब ऐसा नहीं है मिलावट वाली नहीं है, जैसे इंडिया में बहुत चीज मिलावट कर देते हैं ना, उस टाइप का नहीं है ये बन रही है। चलो दूसरी जगह चलते हैं और देखते हैं क्या है। ये फ्रूट्स 200 रुपए की चेरी है, 260 की रुपए की नहीं, एप्पल 100 रुपए किलो, स्ट्रॉबेरी अंगूर, ये 150 रुपए का, ये वही फल है 150 रुपए की, ये हमारी 5-star की वेडिंग में बहुत होते हैं, अब ये नहीं पता। अच्छा ये एक पैकेट 150 रुपए का है, सही है यार, मैं सोच रहा 2 पीस है 150 रुपए के। वो पानी पता नहीं क्या बेच रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा, वो पानी हो गया सूख हो गया पता ही नहीं। उन्होंने कुछ मंगा है, पता नहीं ये नूडल्स के साथ कुछ है, और ये नेम नूडल तोमयान नूडल्स, तोमयान नूडल्स एंड दिस जेंथापो, ओके ये दोनों, ये तीनों डिश है, वो चिकन की नहीं है ठीक है, सो एक फिश की है और एक पता नहीं किसने बना रखी है, तो मैं तो खा नहीं रहा यहाँ पर, ये मेरे लिए कुछ और ऑर्डर कर रहे हैं, देखते हैं ये आइसक्रीम खा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके केकड़े है, केकड़े, सो ये देखो ये केकड़ा दिख रहा है, ले रहे हैं यहाँ पे मोसाते, ये चिकन नहीं है, ये भी पता नहीं क्या चीज़ है, पता नहीं मैं तो खाऊंगा नहीं, ऐसी ऐसी डिश है ये मोका बना के दे रहे हैं मोका से, पता नहीं क्या नाम था, बोया भी भूल गया मैं तो। मोका से मोसाते, ओके मोसाते, अच्छी गली है, नई नई चीजें देखने को मिल रही है, बट मैंने खाने लायक कुछ नहीं है यहाँ पर। मोसाते नाइस, चलो पानी की बोतल लिए यहाँ से, फिर आगे चल रहे हैं हम, देखते हैं और क्या नया है यहाँ पर, सब खाने में लगे हुए सब के सब, मैं भी देखता हूँ और क्या चीज़ है। ये 200 का पैकेट है, 200 बॉक्स, ये फिर पता नहीं क्या भेज रहे हैं, बेकरी है टेकड़े, मुर्गा टंग रहा है मुर्गा, ये खाने में लगे हुए हैं और मुझे भूख लग रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या लूं खाने के लिए, ओ सुअर भी करिए, सुअर भी है यहाँ, ओके अच्छा ये सुअर खा रहे हैं, जो ये खा रहे हैं, अच्छा ये सुअर ही खा रहे हैं, ये जो पता नहीं क्या नाम है, ये जो खा रहे हैं सुअर, सुअर पिग पिग, अच्छा ये रे केकड़े, और ये क्या मिल रहा है देखो, फिश देख रहे हैं, एक कंटी म्यूजिक बजा रही है, ये मेन्यू है, अब यहाँ पे तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या है, चिकन है तो फिर पता नहीं क्या बना रखा है इन्होंने, दोबारा अलग शॉप पे आए हैं ढूंढने चिकन, चिकन क्या वेज मिल जाए कुछ, भूख लग रही है अब तो। यही नहीं अभी और सुनिए,
शॉप है छोटी सी, उसके बाहर रोड पे बैठे हैं। देखते हैं, यहाँ पे एक थाईलैंड डॉग मिला है हमें, थाईलैंड सुनता ही नहीं है, ऐसे भी समझ नहीं आती हिंदी, सुन रहे हैं समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे ऑर्डर कराया तो ये पता नहीं शंख आए हैं, जहाँ पे हमारे झूमर बनते हैं जिस चीज़ के, शंख आप देख सकते हो, इसके अंदर का खाया जाता है। और इसके साथ आया है चिकन विद राइस, चलो चिकन ही खा लेते हैं, नॉर्मल चिकन, और तो कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ से। एक और डिश आई है चिकन विद नूडल्स और राइस, ये थोड़ा स्पाइसी है, ये स्पाइसी नहीं था तो मैंने ये चटनी मंगाई है साथ में, ये तो पता नहीं क्या खा रहे हैं, शंख खा रहे हैं शंख। एक चीज़ और आई है, समझ सकते हो आप देख के क्या चीज़ होती है, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। वैसे हमने टुक टुक लिया है जाने के लिए, ये टुक टुक है, पता नहीं बाइक के सलेंसर, मतलब बुलेट के सलेंसर की तरह आवाज दे रहा है ये, एक रिक्शा है, ये रिक्शा की तरह है, टुक टुक नाम है इसका, देखो ये है टुक टुक, ये टुक टुक है टुक टुक। तो हम मेट्रो स्टेशन वापसी जा रहे हैं, और ये थी जो हम घूमे, गली का नाम तो भूल गया, वॉकिंग स्ट्रीट का नाम क्या था, बट ठीक था, अच्छा था, सब चीज़ों का एक्सपीरियंस करना चाहिए। और देखते हैं ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, या कुछ अलग एक्सपीरियंस मिलता है दोबारा से कुछ रास्ते में हमें, वरना यहीं ख़त्म करेंगे। अभी तो मुझे खुद ही नहीं पता कि कहाँ लेके जा रहा है, बस मैं तो जा रहा हूँ, है ना। सो घूमते फिरते फिर ये मुझे किसान रोड ले आए, जो मैं कल आया था वही रोड पे, जिसमें डिस्क पब एंड बार है, तो देख सकते हो आप। चलो एक बार फिर इंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं, क्या चीज़ें देखते हैं, न्यू क्या मिलता है आज, और आज ये है थोड़ा बता पाएंगे कि क्या क्या चीज़ है। चलो अंदर चलते हैं, मैं जा रहा हूँ अपने होटल, सब पार्टी निपटा के, तो रात के 3 बज रहे हैं और पूरी सड़क खाना खा दी है, कैब ड्राइवर बस मुझे छोड़ने जा रहे हैं इधर, मतलब होटल जो यहाँ बैंकॉक में रह रहा हूँ, यहाँ पे होटल का नाम है सब पॉपुलर पैलेस, तो वहाँ जा रहा हूँ मैं। चलो इस वीडियो को एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक कर देना यार, एक इतनी मेहनत करके बनाया है।